बचपन में मैं तो जीडीपी पायलट बनना चाहता था, मगर मुझे पता लगा उसके लिए फिजिक्स आपकी अच्छी होना जरूरी है, वो बिल्कुल पैदल थी मेरी, तो शायद मैं इस वजह से नहीं बन पाया। मगर जो मैंने पढ़ा फिर उसके बाद मैं बैंक मैंने ज्वाइन किया, बैंक ज्वाइन करने के बाद वो नहीं सिलसिला ख़त्म हुआ क्योंकि बहुत ड्राई था। एडवर्टाइजिंग में गया, फिर टेलको में गया, उसके बाद मैं बीच में एक उरूसा किया था, उसके बाद फिर मैंने ये बकायदा शुरू कर अदान कब की दम अदान से देखी। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले उज़मा आप मुझसे बात करना शुरू करें, यहाँ बहुत ही मौजूद हमारे दोस्त बैठे हुए हैं और प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सबका। अभी बुशरा आप आई थी, वो कह रही थी कि प्रोटोकॉल हमें ज़रूरत नहीं है, वाकई ज़रूरत नहीं है। अगर प्रोटोकॉल उनके साथ नहीं लगी होती ना तो मैं ये इंटरव्यू करके जा चुका होता, क्योंकि मेरे साथ प्रोटोकॉल लगी थी और मैं बड़ी जल्दी पहुंच गया इधर। तो कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है, मगर वाकई हमें ज़रूरत नहीं होती प्रोटोकॉल की। मेरे ख्याल से मैनेजमेंट ने भी बोला कि सिर्फ अदनान को बोलने दे, मेरा माइक उन्होंने बंद कर दिया लेकिन नहीं नहीं ये वाला बंद हो गया था। हेलो यस। अच्छा जी, आप लोगों ने देखा होगा कि मैं आते हुए ना एक डंडा हाथ में लेकर आई थी, ठीक है। झंडे की वजह मैं आपको वैसे तो बाद में बताऊंगी, लेकिन अदनान कुछ अरसे से, वैसे तो खैर आप हीरो ही हैं हमारे बहुत अरसे से, लेकिन कुछ अरसे से आप नेगेटिव रोल्स में ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, तो मैं ज़रा मोहतात होकर तो ये ले आई, लेकिन क्या खास वजह, ज़्यादा मज़ा आ रहा है या रोल्स ही ऐसे मिलने लगे? नहीं, अगर आप मुझे तशबी कर रही हैं आप मेरे पास तुमसे, तो वो नेगेटिव नहीं था, मुझे नहीं लगता वो नेगेटिव था। अगर इसके अंदर कोई नेगेटिव था तो वो मैवेश थी भाई, मैं आपको बताता हूँ क्यों, उसकी वजह क्या है। जो शहवार था उसने कभी झूठ नहीं बोला, पहले दिन से उसने कहा मैं शादीशुदा हूं। दूसरी दफा उसने, बच्चों सुन लो, खुदा के वास्ते मेरी बात तो सुन लो, बच्चों को आइडियाज मत दो बच्चों को आइडियाज नहीं दे। उसने कहा था मैं शादीशुदा हूँ, उसने कहा था कि मेरी बीवी है। अच्छा, सबको इस बात पे एतराज था कि ये ऐसा क्यों हुआ। तो भाई जहाँ एक हाथ ये है तो दूसरा हाथ भी है ना, दोनों हाथ से ताली बजती है, तो कुछ इसकी भी गलती होगी, कुछ उसकी भी गलती होगी। जेंटलमैन में भी जो किरदार, अभी हम लोग जब बैठे हुए थे जहाँ पे कुछ डिस्कशंस चल रही थी, तो एक खातून ने बड़ी जबरदस्त बात कही, उन्होंने कहा कि अदनान जेंटलमैन में जो आपने किरदार किया है, शायद वो किरदार आप खुद भी दोबारा उस तरह से ना कर सकें, इतना बेहतरीन। खैर उन्होंने तारीफ में कहा, और फिर मैंने फौरन कहा कि ये खुद अपने स्टैंडर्ड्स ब्रेक करते हैं, तो जेंटलमैन में भी क्या गेटअप किया है आपने? नहीं, वो तो बस इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ये जो भी कुछ होता है ना, पूरी टीम होती है उसके पीछे, आपके आर्ट डायरेक्शन होती है उसके पीछे, आपके कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स होते हैं, आपका डायरेक्टर होता है, आपके प्रोड्यूसर्स होते हैं, तो उन सबकी ये ख्वाहिश थी कि मैं इस किस्म का एक गेटअप करूँ, कुछ मेरी भी इनपुट थी, वो हो गया और बहुत ज़बरदस्त हुआ। अच्छा, आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान और अहमद शाह ख़ास तौर से यही चाहते हैं कि किसी भी तरीके से जो है हम पूरे के पूरे पाकिस्तान को आपस में कनेक्ट कर सकें, और इसी वजह से आज हम सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और अदनान, आपको और तमाम देखने वालों को मैं बताना चाहती हूँ कि ज़रूर जो लोग यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं उनको ये बता सकें कि आर्ट्स काउंसिल के फेसबुक पेज से लाइव ये टेलीकास्ट हो रहा है, तो जो यहाँ नहीं है वो वहाँ पर भी देख सकते हैं। अच्छा अदनान, मैं बहुत टिपिकल बात करने जा रही हूँ, लेकिन बहुत मुझे लगता है 55 तक पूरी नहीं होगी। क्या आपकी भी बचपन से यही ख्वाहिश थी कि आप अदाकारी करें या कुछ और बनना चाहते थे? नहीं, मैं तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड से एक्टिंग की तरफ आया, मैं तो अभी बचपन पे हूँ। हाँ, आप तो है। नहीं नहीं, आप बचपन में क्या सोचते थे? बचपन में मैं तो जीडीपी पायलट बनना चाहता था, मगर मुझे पता लगा उसके लिए फिजिक्स आपकी अच्छी होना जरूरी है,
वो बिल्कुल पैदल थी मेरी, तो शायद मैं इस वजह से नहीं बन पाया। मगर जो मैंने पढ़ा, फिर उसके बाद मैं बैंक मैंने ज्वाइन किया। बैंक ज्वाइन करने के बाद वो नहीं सिलसिला ख़त्म हुआ क्योंकि बहुत ड्राई था। एडवर्टाइजिंग में गया, फिर टेलको में गया, उसके बाद मैं बीच में एक उरूसा किया था, उसके बाद फिर मैंने ये बाकायदा शुरू कर। अदान कब की बात है उरूसा? 92। अच्छा, आपने पीटीवी से भी प्लेस किए हैं, क्वेटा टेलीविजन स्टेशन से कभी कोई प्ले किया आपने? क्वेटा से कभी भी नहीं किया क्योंकि क्वेटा से किसी ने बुलाया नहीं। उस जमाने में यही 4-5 चैनल्स होते थे, तो हम आउट ऑफ स्टेशन भी जाके काम किया करते थे। मगर मैं ये पहली दफ़ा आया हूँ क्वेटा, और जो मैंने मेहमान नवाजी देखी है, जो आपका प्यार देखा है, जो खुलूस देखा है, मेरे ख्याल में यहाँ सब्जी उगती नहीं है। इतना कल गोश्त आया है चीफ मिनिस्टर साहब के घर में कि अभी तक हजम नहीं हुआ है। मगर ये मैं आपसे आज कह रहा हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहब, आपने साथ दिया तो मेरा एक प्रोडक्शन हाउस है, मैं यहाँ पूरी एक प्रोडक्शन लेकर आऊँगा और यहाँ ड्रामा बनाऊँगा। बिल्कुल। तो अदनान सिद्दीकी पहली मर्तबा क्वेटा आए हैं, कैसे वेलकम करेंगे आप उनका? बिल्कुल एक दफा हो जाए, 1, 2, 3। Not only that, I will come here, I will audition, और यहाँ के अदाकारों को और जो budding actors हैं उनको भी यहाँ से लूंगा इंशाल्लाह।